फिर से देश के सामने और संबोधन में कुछ अहम बातें की, पांच तरह का आह्वान किया जिसमें अहिरत सेवक सबसे अहम था। हालांकि जम्मू की बात की जाए तो यहां पर कुछ युवा, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, जब से जनता कर्फ्यू की शुरुआत हुई है, जब से कोरोना वायरस का कहर जो है जम्मू कश्मीर में बरपा है, तब से ही अहिरत सेवा कर रहे हैं। आज इनसे मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे और किस तरह से सेवा भाव से, चाहे सैनिटाइजेशन हो, राशन का दान हो, हर तरह से ये मदद कर रहे हैं। वैसे तजिंदर जी ये जो एक सोच है ये कहाँ से, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं आपने सैनिटाइजेशन भी किया, आपने हर एक कड़ी कुछ हुआ है जी। ये सोच गुरु नानक देव जी से चली आ रही है कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। उसी के मद्देनज़र रखते हुए आप जानते हो कि ये जो कोरोना वायरस का महामारी जो बहुत ही तेज़ी से देशों विदेशों में फैली है, अब उसने इंडिया को भी टच कर लिया है। अब हमें सुनने में आ रहा है कि ये इस टाइम तक थर्ड स्टेज तक पहुंचने वाली है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जहां कि हम अपना फ़र्ज निभा रहे हैं उसके साथ साथ प्रिकॉशन पूरी ली हुई है, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, हर एक चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हमने स्टार्टिंग 1000 से 1500 टिफ़िन जो है हमारा रोज़ शाम को जो है जाता था अलग अलग जम्मू के अलग अलग जगहों पे, करनाल रोड, बड़ी ब्राह्मणा, रेलवे स्टेशन, नरवाल, गांधीनगर पे, जितने भी ये सारा एरिया है। और उसके साथ साथ दिन को सैनिटाइजेशन होती थी और रात को हमारा ये लंगर का प्रबंध करता था। बट हमने देखा कि इतना रोज़ रोज़ वहाँ पे जाना, फिर उसको देखते हुए हमने अब जहाँ जहाँ हम ज़्यादा फैमिलीज हैं वहाँ पर हम सूखा राशन जो है प्रोवाइड करते जा रहे हैं, और जो बनाने की जो है वो अब 700 तक पहुँच चुका है। हमारी यही कोशिश है जितना हो सके उनको राशन सूखा पहुँचाया जाए ताकि वो अपने ही घरों में बैठ के, क्योंकि आप देख रहे हो कंटिन्यूस प्रधानमंत्री जी भी अपना ये जो है अपने भाषण में बार बार बोल रहे हैं कि जितना हो सकता है घरों में बैठो, और ये सच है, हकीकत है, जितना घरों में बैठोगे उतना सेफ रहोगे। आज की डेट में बाहर निकलना समझ लो अपनी मौत को हथेली पर ले कर चलना। मैं तो यही समझता हूँ कि
घर से बाहर निकलो तभी निकलो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, नहीं तो घर से बाहर मत निकलो। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता भी है तो वो पूरे प्रिकॉशंस लेके जाए, मास्क लगा के जाए, हाथों पे ग्लव्स लगा के जाए। जो जूता वो इस टाइम मार्केट में लेके जा रहा, कृपा करके वो घर के अंदर मत लेके आओ, उसको घर के बाहर ही रखो। क्योंकि अब अगर तीसरी स्टेज अगर पहुंच चुकी है तो तीसरी स्टेज का मतलब ऐसा हो जाएगा जैसा इटली में हो रहा है कि कोई पता नहीं चलेगा कौन सड़क पे चल रहा है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। सो इसके लिए कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं आपके चैनल के राही में यही बोलना चाहूँगा कि घरों में रहें, प्लीज प्रशासन का खास करके उनके लिए दुआ भी करें और उनकी बातों का पालन भी करें। वो हमारे लिए खड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी ही सेफ्टी के लिए पहले भी खड़े थे और इस महामारी में। जी, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है तो उन तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को किस तरह से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह रहे कि आप इस तरह का पत्र लिखे या उनके लिए कुछ अच्छे शब्द लिखे जिससे उनको लगे कि हिम्मत जो है उनकी बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं वो इस पूरी जंग में जो है योद्धा की तरह काम करो और आगे भी इसी तरह से लड़ते रहे। जी बिल्कुल, मैं इस अवसर पर एक तरफ तो पूरी दुनिया इस महामारी से परेशान है और दूसरी तरफ वो डॉक्टर इस टाइम भगवान का रूप बन के लोगों के लिए जो निकले हुए हैं, वो इस टाइम अपनी जान हम तो लेके चल रहे हैं पर हम लोगों से ज़्यादा वो लोग हैं जो उन पेशेंट्स उस सिचुएशन में जो शामिल हैं, जो हम तो यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं बट वही जानते हैं जो इस टाइम पेशेंट के पास जा रहा है। क्योंकि इस चीज़ का कोई इलाज अभी तक निकला ही नहीं है, जब तक इलाज नहीं होगा तब तक डॉक्टर जो है वो भी बेबस है। सो हम चाहते हैं कि मैं तो पहले तो उनको अपने पूरी टीम की तरफ से, सब की तरफ से, मैं अपनी तरफ से उनको सल्यूट करता हूं और ये शब्द बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता बधाई का कि इस सिचुएशन में जो कि आप सल्यूट कर सकते हो, बधाई नहीं दे सकते लेकिन सल्यूट जरूर कर सकता हूं उनको दिल से, पूरी संस्था की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पीछे भी अभी पैकिंग चल रही है तो मैं अपनी तरफ से इस टाइम उनको सल्यूट ही कर सकता हूं और भगवान के आगे दुआ करता हूं और आप लोगों से भी बोलता हूं कि आप लोग हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो गुरु नानक लंगर मिशन है, चाहे वो खालसा एट है, जेके ब्लड डोनर है, जेके एसोसिएशंस हैं, कितनी भी संस्थाएं हैं जो इस टाइम मार्केट में निकली हुई हैं, सबसे पहले अपनी प्रिकॉशन लेके निकलो, ऐसे मत बाहर निकलो। हाँ जी, चेहरा ढक के। कई लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब कि वो एक सेफ्टी प्रिकॉशन बिना सेफ्टी के वो बाहर निकले हुए हैं, ना उनके हाथों में ग्लव्स हैं ना मुंह पे मास्क है, वो इस चीज़ को मजाक में ले रहे हैं। प्लीज़ इसको मजाक में मत लीजिए, ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसका इलाज अभी तक किसी ने नहीं ढूंढा है। चलिए, साफ तौर पर सिख यूथ सेवा ट्रस्ट समय समय पर समाज के लिए कार्य करता रहा है और जिस तरह से हिंदुस्तान में कहते हैं कि सेवा परमो धर्म, वो एक मोटिव जो है वो सक्सेसफुल इनकी तरफ से समय समय पर होता रहा है। हालांकि बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है जिस पर तमाम उन डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को कहीं ना कहीं ये सल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर वो हैं तो हम सुरक्षित हैं। और देश के प्रधानमंत्री के आह्वान को आप कहीं ना कहीं समझें और देखिए कि आपकी जान की जिम्मेदारी आज आपके हाथ में। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।